Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. So, dosto, aaj ka presentation hai launch of Vrindavan Flora 2 by Thalia and Lab Group at Panvel. So, let's begin with the presentation. तो दोस्तों ये जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये वृंदावन फ्लोरा 2 के बिल्डिंग्स हैं। ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनने वाला है जहां पर आप देखेंगे काफ़ी बिल्डिंग्स है और उसमें अलग अलग विंग्स दिया गया है। एक बिल्डिंग यहां पर है, एक बिल्डिंग यहां पर है, एक बिल्डिंग यहां पर है, एक यहां पर और एक यहां पर और लास्ट वाला यहां पर है। तो ये सारे बिल्डिंग्स जो है ये करीबन 16 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है जिसका नाम है वृंदावन फ्लोरा 2 बाय थालिया एंड लाभ ग्रुप। थालिया एंड लाभ ग्रुप दोनों जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पहला इनका ऑलरेडी एक फेज बन चुका है जो कि वृंदावन फ्लोरा 1 था, ये वृंदावन फ्लोरा 2 है। पर अब जो डेवलपर ने जो लॉन्च किया है वो 4 टावर लॉन्च किया है। पर ये जितने भी 7 बिल्डिंग्स देख रहे हैं इसमें से कौन सा लॉन्च हुआ है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एलिवेशन है और सारे बिल्डिंग ऐसे ही प्लेस्ड है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर क्लब हाउस दिया गया है जो कि ये फंक्शनल क्लब हाउस है। डेवलपर ने क्लब हाउस पहले ही रेडी कर दिया है और जो 4 बिल्डिंग जो इसमें से लॉन्च हो रही है वो ग्राउंड प्लस 13 स्टोरी का टावर रहेगा। ऐसे 4 टावर रहेंगे, हर एक फ्लोर पर हर एक बिल्डिंग में 7 फ्लैट्स रहेंगे विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स। और ये काफ़ी प्राइम लोकेशन में है, पनवेल में है, रसायनी एरिया है पनवेल में, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। पहले जब डेवलपर ने वृंदावन फ्लोरा जब लॉन्च किया था तो उस टाइम काफ़ी जल्दी उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक चुका था और अब भी इस प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। प्री लॉन्च स्टेज अभी इसका चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का काफ़ी डिमांड है। तो लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये पनवेल एरिया है और यहाँ पे जो आप ये जो सर्कल देख रहे हैं रेड कलर का, यहाँ पर 16 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बन रहा है वृंदावन फ्लोरा 2। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक में ये प्रोजेक्ट है पनवेल में। यहाँ पर इस लोकेशन पे आप मुंबई से आप जो ट्रांस हार्बर लिंक जो बन रहा है वो एक बार जब बन जाता है तो वहाँ से भी आप इस प्रोजेक्ट के लिए आ सकते हो, यहाँ से आप मुंबई भी जा सकते हो। और अदरवाइज आप अगर नवी मुंबई ब्रिज क्रॉस करके अगर आप आते हो तो जो लोनावाला के लिए जो हाईवे जाता है उसके पहले ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और अदरवाइज अगर आप थाने से अगर आते हो, कल्याण डोंबिवली से आते हो तो ऊपर से आपको यहाँ पर आना है और बिल्कुल मेन हाईवे के ऊपर ही प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से आप कोई भी लोकेशन पे आप लोनावाला, पुणे, डोंबिवली, कल्याण, न्यू मुंबई और साउथ मुंबई आप एनी साइड इस लोकेशन से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो वृंदावन फ्लोरा का काफ़ी डिमांड है इस एरिया में और यहाँ पर ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ये एक कॉरिडोर बन रहा है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर उसका नाम है, जो कि एक कनेक्ट होगा JNPT पोर्ट के थोड़ा सा आगे आते हैं तो वहाँ से ये कनेक्ट होगा, जो कि यहाँ से ब्रिज भी नज़दीक है, जो यहाँ से ट्रांस हार्बर लिंक भी नज़दीक है। तो यह इस लोकेशन से ये कनेक्ट होता है और ये सीधा आगे ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के आसपास एंड होगा। तो दोस्तों ये पनवेल एरिया, नवी मुंबई, ये सारा जो बेल्ट है जहाँ पर एयरपोर्ट भी बन रहा है ये सारा नैना के अंदर आता है। नैना इज़ लाइक सिडको कंपनी, सिडको के अंडर ये नैना है। तो जहाँ पर सिडको और नैना आता है तो वहाँ पर डेफिनेटली जो टाउनशिप प्लानिंग होता है वो प्रॉपर प्लानिंग होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एरिया, ये बेल्ट सारा नैना के अंदर है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर रेसिडेंटल बिल्डिंग्स भी प्रॉपर मिलती है, आपको कॉरपोरेट ऑफिसेस मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलता है प्रॉपर, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलता है, प्लस बहुत सारे मॉल्स और ईटिंग जॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि टाउनशिप को प्लानिंग ही नैना कर रहा है तो डेफिनेटली सोच समझ के प्लानिंग होता है। उसके अलावा एक्टिविटीज़ जोन भी, जैसे कुछ स्विमिंग पूल्स, कोई प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब है, कोई ट्रेनिंग कोचेस है, कोई ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, तो वो सब भी पहले ही प्लान किया हुआ है कि इस एरिया में इतना
प्लॉट जो है वो प्लेग्राउंड के लिए छोड़ेंगे, इतना इतना जिम के लिए छोड़ेंगे, इतना होटल रेस्टोरेंट के लिए छोड़ेंगे और इतना रेसिडेंट के लिए छोड़ेंगे और इतना कमर्शियल के लिए छोड़ेंगे। तो इट इज़ प्लान डेट वे। तो पनवेल, खारगर, पनवेल और उसके सराउंडिंग एरिया का, नैना का ये बेनिफिट है कि इट्स अ प्लान सिटी। तो प्लान सिटी में रोड्स, रेलवे, मेट्रोज भी आ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है उस पर। रोड्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि प्रॉपर रोड्स होवे, ब्रिजेस होवे, कॉरिडोर्स होवे। हर चीज़ जो सिटी में डेवलप होता है, हर चीज़ प्लानिंग के साथ डेवलप किया जाता है। तो दूसरा, इस बेल्ट का जो पनवेल का सराउंडिंग जितना भी बेल्ट है, उस बेल्ट का नाम महा मुंबई रखा गया है। और यहाँ से मुंबई से नज़दीक नवी मुंबई है, जो कि नवी मुंबई में लोगों ने पहले जब इन्वेस्ट किया था तो वहाँ पर 10 गुना प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया था। और यहाँ पर महा मुंबई में भी सिमिलर ऐसा ही होने वाला है कि अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट मिलता है, और दूसरा आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ में डेवलप होता है तो उसका भी एक बेनिफिट मिलता है आपको। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ टुमारो। सो पनवेल इज सून बिकमिंग द हब ऑफ बिजनेस सेंटर एंड आईटी पार्क, हब ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, डेडिकेटेड जोन फॉर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफकोर्स बिग मॉल्स इन द सराउंडिंग एरियाज। तो जैसे आइकिया जैसा शोरूम ऑलरेडी तुर्बे में आ चुका है, तो वो बेल्ट सारा जो है वो आगे चलकर बड़े मॉल्स भी आएंगे वहाँ पर। और क्योंकि पनवेल एरिया में स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है, ओपन लैंड वहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट एकेडमी भी होगी जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रॉपर एकेडमी होगा जहाँ पर आप जाके ट्रेनिंग भी ले सकते हो, वहाँ पर आप प्रोफेशनली आप सीख सकते हो जो आपको जो गेम में मज़ा आता है। एट द सेम टाइम इट इज़ क्लोजर टू द ग्रीन्स ऑल्सो बिकॉज क्लाइमेट आसपास के सराउंडिंग एरिया में काफ़ी कूल है। तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सो पनवेल इज़ अ लैंड ऑफ लार्ज टाउनशिप। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन बन रहा है। ये इसका इमेज है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि 2024 से ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। मेट्रो लाइन नंबर 1 का यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि CPD बेलापुर और खंडेश्वर कनेक्ट होगा, और एक्सटेंशन ऑफ पनवेल करजत रेल कॉरिडोर का भी इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो CST से भी एक ट्रेन शुरू होगी पनवेल तक, जो कि फुली AC ट्रेन होगी और सिर्फ 4 या 5 जगह उसका हॉल्ट होगा, और हार्डली 50 मिनट्स में आप CST से आप पनवेल पहुँच जाओगे। दूसरा, अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है, जो कि 129 किलोमीटर का होगा। यहाँ से विरार से अलीबाग पहुँचने में आपको मैक्सिमम 50 मिनट्स लगेगा बाय रोड। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे तो ऑलरेडी है, पर वो खंडाला को बाईपास करते हुए आगे तक जाएगा, तो और पुणे और जल्दी पहुँच जाओगे। और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर मैंने आपको बताया, जहाँ पर ट्रांस हार्बर लिंक कनेक्ट होता है, वहाँ से वो कनेक्ट होगा आगे, ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के आसपास कनेक्ट होगा। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक तो आप सभी जान रहे हैं, काम चल रहा है जोरों शोरों में, 2 साल में शुरू हो जाना चाहिए। वाटर टैक्सी साउथ मुंबई से नवी मुंबई कनेक्ट होगा, जो कि साउथ मुंबई से अगर आपको नवी मुंबई आना है तो जस्ट 25 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो। वैसे तो ये फेरी जो है ये वेस्टर्न बेल्ट पर भी शुरू होगा, जो कि कुलाबा, बांद्रा और बोरीवली के आगे तक कनेक्ट होगा। तो काफ़ी रिच और रॉयल ड्राइव वे दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। एमिनिटीज़ में आपको काफ़ी बड़ा ग्रैंड क्लब हाउस मिलता है, स्विमिंग पूल है, जिमनेजियम है, लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है इसमें, शॉपिंग आर्केड सराउंडिंग एरियाज में है विद टॉप ब्रांड्स, एंड ऑफिसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस। एट द सेम टाइम वृंदावन फ्लोरा के नज़दीक ही इट इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंड लैंडस्केप विच गिव्स अ सूथिंग इफेक्ट टू योर माइंड। तो 30+ एमिनिटीज इसमें दिया गया है दोस्तों वृंदावन फ्लोरा 2 में, बाय थालिया एंड लाब ग्रुप। फ्लैट सब वेल डिजाइंड है, वेल मेड है, विद ब्रांडेड फिटिंग्स इनसाइड द फ्लैट। ऑफकोर्स डेकोरेशन आप जितना करोगे उतना और वो निखरते जाएगा, पर अदरवाइज जो फ्लैट के अंदर जो फिटिंग्स वगैरह है सब ब्रांडेड कंपनी के फिटिंग्स दिए गए हैं। तो दोस्तों एक्चुअल PDF ब्रोशर आने में टाइम है, बिकॉज दिस इज अ प्री लॉन्च स्टेज। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स है, जिसमें 1 BHK 350 to 450 कारपेट एरिया है। ये जो मैं आपको
फ्लोर प्लान दिखा रहा हूँ, ये फ्लोरा वन का है, इसे प्रीफर करने के लिए है। और 2 BHK 550 और 650 कारपेट एरिया है और 3 BHK 750 कारपेट एरिया है। तो 1 BHK का जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड 40 लैक्स है, 2 BHK का प्राइस समवेयर अराउंड 60 लैक्स से शुरू होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, वी हैव टू वेट फॉर द लॉन्च टू सी द एग्जैक्ट प्राइस। और 3 BHK जो है वो 75 लैक्स से शुरू होगा। तो दीज आर ऑल टेंटेटिव प्राइस एंड कारपेट एरिया, जिसका अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आपको देना है सिर्फ 27,000 और अपना स्लॉट आप बुक कर सकते हो। और एक वीडियो में और एक लेके आऊँगा लॉन्च वाले दिन, जिसमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी तक तो इतना ही शेयर हुआ है डेवलपर की तरफ से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।